हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे निज़ामी दम का चिकन, जो खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे बनाया है। आप इसको एक बार ट्राई करिए। तो चलिए फिर फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त बना है हमारा चिकन। दम का चिकन बनाने के लिए मैंने एक भगोने में मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। ऑयल हमारा गरम हो गया है, इसको मैंने लो फ्लेम पर गरम किया था ताकि हमारे ऑयल की जो खुशबू है वो अच्छी रहे। अब क्या करेंगे, मैंने दो मीडियम साइज़ प्याज ले लिए, इसको फ्राई कर लेते हैं। जब तक प्याज हमारी फ्राई हो रही है, चिकन देख लेते हैं। मैंने ये 900 ग्राम चिकन लिया है, इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, छन्ने में रख दिया था। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है बाहर हो गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। तो मैंने 2 स्पून भर का लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेते हैं। 4 स्पून मैंने दही ले लिया, फटा हुआ फ्रेश दही है, बहुत खट्टा दही नहीं होना चाहिए। एक मैंने नींबू ले लिया है, नींबू को भी इसमें डाल देते हैं। मिर्चा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेते हैं। धनिया ले लेते हैं, 2 स्पून भर कर धनिया ले ली मैंने। अब इन सारे मसालों को मिक्स कर लेते हैं। हाथ से मिक्स कर लेंगे तो अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा सारा चीज़ें। अब इसे ढक कर रख देते हैं 15 मिनट। तब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही, तब तक इसे ढक कर रख देते हैं। प्याज हमारी अच्छे से कलर में फ्राई हो चुकी है। अब प्याज को बाहर निकाल लेते हैं। जब प्याज को बाहर निकालें तो गैस बंद कर दें, क्योंकि ऑयल में काफ़ी हीट होती है तो आधी प्याज आपकी जल जाएगी। तो इसलिए गैस बंद करके आप प्याज को बाहर निकालिए। चिकन को मैरिनेट किए हुए 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब चिकन को इसी ऑयल में डाल देते हैं। अब चिकन को थोड़ा सा इन मसालों के साथ में पका लेते हैं। अभी मैंने पानी नहीं डाला, पहले जो ये पानी है चिकन का, दही का, लहसुन अदरक का, ये सारा पानी जल जाएगा, उसके बाद पानी को डालेंगे। हाई फ्लेम पर ये प्रोसेस कर लेते हैं। क्या करेंगे, थोड़ा सा मसाला ले लेते हैं, खड़ा मसाला लिया है मैंने, इसको मैं पीस लूँगी। तो मैंने सबसे पहले ये 2 तेज़पत्ता लिए हैं, 1 स्पून मैंने ज़ीरा ले लिया, थोड़ी सी काली मिर्च ली है, जावित्री ले ली, 5 हरी इलायची, 5-6 लौंग है ये, थोड़ा सा मैंने जावित्री, 2 बड़ी इलायची है, थोड़ी सी मैं सौंफ भी यहाँ पर डाल लेती हूँ। सौंफ से चिकन का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने 2 स्पून, छोटे से स्पून है ये, तो मैंने 2 स्पून सौंफ को ले लिया है। अब मैं इनको पीस लेती हूँ, गीला पीसूँगी, पाउडर ही बनाऊँगी इसको, तो मिक्सी के जार में पीस लेते हैं। थोड़े से मैंने 7-8 काजू, 5-6 बादाम ले लिए, थोड़ा सा नारियल ले लिए, इनको मैंने भिगो दिया था ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बने हमारी सारी चीज़ों का। सबसे पहले मैं इनको पीसे लेती हूँ मसालों को। मैंने एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। थोड़ी सी मैंने हरा धनिया ले लिया, अच्छी खुशबू आती है हरा धनिया से, जो मैंने प्याज फ्राई की थी। अब मैं यहाँ पर प्याज को डाल दूँगी, पहले खड़े मसाले जो हैं पीस लें, उसके बाद ये सारी चीज़ें पीसे, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है प्याज को। अब इसको भी पीस लेते हैं साथ में। तो अब सारी चीज़ें पीस चुकी हैं, चिकन भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है सारे मसालों के साथ में। तो अब यहाँ पे जो मैंने मसाले पीसे, सारे मसाले यहीं पे डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे मिक्सी के जार में जो मसाले का है। अब इसको ढक कर लो फ्लेम पर इसको पका लेते हैं। चिकन को चेक कर लेते हैं, बीच बीच में मैंने चिकन को चेक कर लिया था। चिकन ने हमारे ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने चिकन के, और बहुत ही अच्छे से देखने में इसकी ग्रेवी लग रही है, बड़ी फाइन ग्रेवी है। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा अभी इसको भून लेते हैं, लेकिन पहले थोड़े से मसाले यहाँ पे ऐड करेंगे। मैंने एक तवे पे कसूरी मेथी को रोस्ट कर लिया है, तो मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी को क्रश करके डाले दे रही हूँ। मिल्क क्रीम ले ली मैंने, होममेड है ये मिल्क क्रीम, फटाफट से डाल देते हैं, जल्दी से डालकर इसको चला देते हैं ताकि हमारी मिल्क क्रीम फटे ना। अब थोड़ा सा इसको पका लेते हैं मिल्क क्रीम के साथ में।
चिकन हमारा अच्छे से पक चुका है। आपको ग्रेवी अगर इतनी गाढ़ी खाना है तो आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, अगर थोड़ा सा पानी करना है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ यहाँ पर। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा केवड़ा वाटर ले लेते हैं। केवड़ा वाटर से क्या होता है कि खुशबू, केवड़ा वाटर से खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है हमारे चिकन की, बहुत अच्छा खुशबू आ रही चिकन की हमारी। बहुत ही डिलीशियस चिकन बना है ये, आप इसको नान से चपाती से खाइए और सबको खिलाइए, बहुत टेस्टी बना चिकन हमारा। बस अब गैस बंद कर देते हैं। थोड़ा सा मैंने हरे मिर्चे ले लिए हैं, इससे हरे मिर्चे से खुशबू बहुत अच्छी आती है। ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया डाल देते हैं। अब सब चीज़ों को ढक कर रख देते हैं।